हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। तो ये क्लास UPPGT बिहार DSSSB सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है, बोगार्डस के अनुसार समुदाय के आवश्यक अंग हैं। सामाजिक समूह, निश्चित भूभाग, हम की भावना, उपरोक्त सभी। राइट आंसर बताइए। बोगार्डस के अनुसार समुदाय के अंग हैं, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ये सभी। सामाजिक समूह, निश्चित भूभाग, हम की भावना, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय समाजशास्त्रियों में से भारत में क्षेत्रीय आयामों के बारे में व्यापक रूप से किसने लिखा? राधा कमल मुखर्जी, SC दुबे, NK बोस, GS घुरिए। राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित भारतीय समाजशास्त्रियों में से भारत में क्षेत्रीय आयामों के बारे में व्यापक रूप से किसने लिखा है? राइट आंसर है श्यामाचरण दुबे, ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मम्फोर्ड द्वारा प्रदत्त नगर के विकास की अवस्थाओं का सही क्रम बताइए। पोलिस, ईओपोलिस, मेट्रोपोलिस, 3-1-2, 1-2-3, 1-3-2, 2-1-3। राइट आंसर क्या होगा? मम्फोर्ड द्वारा प्रदत्त नगर के विकास की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? तो इसमें राइट आंसर होगा सबसे पहले ईओपोलिस, फिर पोलिस, फिर मेट्रोपोलिस, 2-1-3, 2-1-3, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडफील्ड द्वारा प्रस्तुत लघु समुदाय की आवश्यक विशेषताएं हैं, भिन्नता, सजातीयता, निकटता, आत्मनिर्भरता। ऑप्शन में है 1-2-4, 1-2, 2-3-4, 1-2-3। राइट आंसर बताइए। तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की 4 विशेषताएं बताई थी, लघुता, सजातीयता, विशिष्टता, आत्मनिर्भरता। तो इसमें राइट आंसर होगा सजातीयता, निकटता, आत्मनिर्भरता, 2-3-4, ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय जीवन पद्धति के लिए नगरीयता की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? लुइस बिर्थ, मूरे, पार्क, बर्जर। नगरीय जीवन पद्धति के लिए नगरीयता की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? ऑप्शन 1 राइट आंसर है, लुइस बिर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कौन है? SC दुबे, श्रीनिवास, आस्कर लेविस, AC मेयर। इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 राइट आंसर है, श्यामाचरण दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ग्राम समुदाय की विशेषता नहीं है? अंधविश्वास, औपचारिक संबंध, खेतिहर व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था। तो ग्राम समुदाय की विशेषता नहीं है पूछा, अंधविश्वास है, खेतिहर व्यवस्था है, जजमानी व्यवस्था है, औपचारिक संबंध नहीं है, ऑप्शन 2 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने परिभाषित किया कि समुदाय सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र है जिसे सामाजिक संबद्धता की मात्रा द्वारा पहचाना जाता है? CA मेंजर, किंग्सले डेविस, मैकाइवर, किम्बॉल यंग। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? समुदाय सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र है जिसे सामाजिक संबद्धता की मात्रा द्वारा पहचाना जाता है, ऑप्शन 3 राइट आंसर है, मैकाइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समुदाय की नहीं है? सामान्य जीवन, ऐच्छिक सदस्यता, निश्चित स्थानीयता, सामुदायिक भावना। राइट आंसर क्या होगा?
कौन सी विशेषता समुदाय की नहीं है? तो सामान्य जीवन है, निश्चित स्थानीयता है, सामुदायिक भावना है, ऐच्छिक सदस्यता, ये समिति की विशेषता है। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इंगित किया कि नगरीय अभिवृद्धि चक्रीय पथ की अनुगामी होती है? बर्जेस, गेट्स, एमएसए राव, पार्क। राइट आंसर बताइए। नगरीय अभिवृद्धि चक्रीय पथ की अनुगामी होती है। ऑप्शन फोर राइट आंसर है, रॉबर्ट पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु समुदाय मानवता के इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रचलित स्वरूप रहा है, यह किसका कथन है? एआर देसाई, एससी मेंजर, एचसी मेंजर, टीएल स्मिथ, रॉबर्ट रेडफील्ड। राइट आंसर बताइए। लघु समुदाय मानवता के इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रचलित स्वरूप रहा है। ऑप्शन फोर राइट आंसर है, रॉबर्ट रेडफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना पाई जाती है तथा जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में निवास करता है। लुंडबर्ग, बोगार्डस, ऑकबर्न, मैकाइवर। राइट आंसर बताइए। लघु समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना पाई जाती है तथा जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में निवास करता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, बोगार्डस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचारकों में से किसने यह मत व्यक्त किया कि भारतीय गांव की आत्मनिर्भरता एक मिथक है? ड्यूमा, लेविस, मेटकॉफ, श्रीनिवास। भारतीय गांव की आत्मनिर्भरता एक मिथक है। ऑप्शन फोर राइट आंसर है, एम एन श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु समुदाय की पहचान यह है कि व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन पूर्ण रूप से उसी में व्यतीत कर सकता है। शोरोकिन, ऑकबर्न, डेविस, जॉनसन। व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन पूर्ण रूप से उसी क्षेत्र में व्यतीत कर सकता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, शोरोकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नगरीकरण की प्रक्रिया जुड़ी है? निम्नलिखित में से किससे नगरीकरण की प्रक्रिया जुड़ी है? ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण, नगरों में स्वाभाविक रूप से जनसंख्या वृद्धि, नगरीय केंद्रों की संख्या में वृद्धि, उपरोक्त सभी। राइट आंसर बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से किससे नगरीकरण की प्रक्रिया जुड़ी है? ऑप्शन फोर राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु समुदाय पालने से लेकर शमशान तक के जीवन का संयोजन है, किसने कहा? क्रोबर, रेडफील्ड, हट्टन, कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। लघु समुदाय पालने से लेकर शमशान तक के जीवन का संयोजन है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, रॉबर्ट रेडफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि नगरीयता एक जीवन शैली है? पार्क एवं बर्जेस, लुइस बिर्थ, किंग्सले डेविस, मैक्स वेबर। नगरीयता एक जीवन शैली है। राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, एल बिर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीकरण से संबंधित उप संवैधानिक सिद्धांत का निरूपण किसने किया? बर्गेस, गोल्पिन, बिर्थ, फिशर। नगरीकरण से संबंधित उप संवैधानिक सिद्धांत का निरूपण किसने किया? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, बर्गेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समूह के रूप में जनजात किसके सबसे अधिक समीप है? समुदाय के, समिति के, जात के, वर्ग के। राइट आंसर क्या होगा। एक समूह के रूप में जनजाति किसके सबसे अधिक समीप है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, समुदाय के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय वह लघुत्तम क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पक्ष समाहित होते हैं। किंग्सले डेविस, मैकाइवर, सोरोकिन, गिडिंग्स। समुदाय वह लघुत्तम क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पक्ष समाहित होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, ये परिभाषा किंग्सले डेविस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज को गेमिनशाफ्ट और गेसेलशाफ्ट में वर्गीकृत किसने किया? मैक्स वेबर, टॉनिस, समनर, कूले। समाज को गेमिनशाफ्ट और गेसेलशाफ्ट में वर्गीकृत किसने किया है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, टॉनिज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर के चारों ओर घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? उपनगर, पृष्ठ प्रदेश, मलिन बस्ती, नगरीय पड़ोस। नगर के चारों ओर घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, उपनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से घेटो की व्याख्या के सर्वाधिक निकट कौन है? यह गंदी बस्ती में रहने वाले एक प्रतिमान की ओर संकेत करता है जो वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। यह नगर का एक परित्यक्त खंड है। यह एक गंदी बस्ती है जिसमें सजात समूह के लोग निवास करते हैं तथा जो शेष नगर के जीवन से कटी हुई है। पश्चिमी समाज में पाई जाने वाली गंदी बस्तियाँ। राइट आंसर क्या होगा? घेटो की व्याख्या के सर्वाधिक निकट कौन है? ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। यह एक गंदी बस्ती है जिसमें सजात समूह के लोग निवास करते हैं तथा जो शेष नगर के जीवन से कटी हुई है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरवाद का अर्थ है नगरीय जनसंख्या में वृद्धि, नगरों के भौतिक आकार में वृद्धि, जीवन शैली, ग्रामीण नगरीय प्रवास। नगरवाद का अर्थ है, राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, जीवन शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? मैक्स वेबर, दुर्खीम, अगस्त कॉम्प, लेवी स्ट्रास। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये बुक लिखी है इमाल दुर्खीम ने। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण मुख्य रूप से चेतना पर केंद्रित है? नृवंश विज्ञान, तुलनात्मक विधि, घटना विज्ञान, कार्यात्मकता। राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण मुख्य रूप से चेतना पर केंद्रित है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, घटना विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी किसके द्वारा विकसित की गई? मीड, गॉफमैन, कूले, शोर्ट्ज। लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी किसके द्वारा विकसित की गई? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, चार्ल्स हार्टन कूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रारंभिक अमेरिकी समाजशास्त्र पर गहरा रूढ़िवादी प्रभाव पड़ा? फ्रांसीसी क्रांति, गृह युद्ध, वियतनाम युद्ध, प्रारंभिक समाजशास्त्रियों की राजनीतिक मुक्ति। राइट आंसर बताइए। किसका प्रारंभिक अमेरिकी समाजशास्त्र पर गहरा रूढ़िवादी प्रभाव पड़ा? ऑप्शन फोर राइट आंसर है, प्रारंभिक समाजशास्त्रियों की राजनीतिक मुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्ड के अनुसार अनुप्रयुक्त समाजशास्त्र का उद्देश्य था एक वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग समाज को बेहतर बनाने के लिए करें, बहुत सारे अभ्यास के माध्यम से समाज को और अधिक वैज्ञानिक बनाएं, समाजशास्त्र को सामान्य ज्ञान पर आधारित करें, उत्तर आधुनिकतावाद की बुराइयों से लड़ें। राइट आंसर बताइए। वार्ड के अनुसार अनुप्रयुक्त समाजशास्त्र का उद्देश्य था। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है, एक वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग समाज को बेहतर बनाने के लिए करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूल्हे निम्नलिखित में से किस विचार के लिए जाने जाते हैं? वर्ग संघ, शीशे जैसा दिखने वाला स्व, माइक्रो मैक्रो एकीकरण, सामाजिक समन्वय। राइट आंसर बताइए। कूल्हे निम्नलिखित में से किस विचार के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है शीशे जैसा दिखने वाला स्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकागो स्कूल और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण विचारक हैं? रॉबर्ट मर्टन, बेब डू बोइस, वेबलेन, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। राइट आंसर बताइए। शिकागो स्कूल और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण विचारक हैं? ऑप्शन फोर राइट आंसर है जॉर्ज हर्बर्ट मीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरी चेतना एक प्रमुख सैद्धांतिक विचार है? अल्फ्रेड सोच, एडम स्मिथ, एंथनी गिडिक्स, बेब डू बोइस। दोहरी चेतना एक प्रमुख सैद्धांतिक विचार है। ऑप्शन फोर राइट आंसर है बेब डू बोइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स को किसके लिए जाना जाता है? संरचनात्मक कार्यात्मकवादी, सूक्ष्म माइक्रो संरचनावादी, एजेंसी संरचना निर्धारक, शिकागो स्कूल के समर्थक। राइट आंसर बताइए। पार्सन्स को किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है संरचनात्मक कार्यात्मकवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉफमैन किससे जुड़े थे? मानव विज्ञान, व्यवहारिकता, नाट्यशास्त्र, नव व्यवहारिकता। गॉफमैन किससे जुड़े थे? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है नाट्यशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्रीय सिद्धांतकार अपने ज्ञान के समाजशास्त्र के लिए सबसे अधिक जाना जाता है? कार्ल मैनहेम, पार्सन्स, वार्ड, अलेक्जेंडर। कौन सा समाजशास्त्रीय सिद्धांतकार अपने ज्ञान के समाजशास्त्र के लिए सबसे अधिक जाना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है कार्ल मैनहेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचारक को कट्टरपंथी समाजशास्त्री के रूप में जाना जाता है? हर्बर्ट स्पेंसर, पार्सन्स, होमन, सी राइट मिल्स। किस विचारक को कट्टरपंथी समाजशास्त्री के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन फोर राइट आंसर है सी राइट मिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष सिद्धांत निम्नलिखित के रूप में उभरा? नारीवादी सिद्धांत की आलोचना, एंथनी गिडिंग्स के संरचना सिद्धांत का विकल्प, संरचनात्मक कार्यात्मकता का विकल्प, उत्तर आधुनिकतावाद की आलोचना। संघर्ष सिद्धांत निम्नलिखित के रूप में उभरा? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है संरचनात्मक कार्यात्मकता का विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विन्वे सिद्धांत का प्रणेता निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकार को माना जाता है? पार्सन्स, सोर्ज, कोजर, होमन्स। विनिमय सिद्धांत का प्रणेता। ऑप्शन फोर राइट आंसर है होमन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको उत्तर संरचनावाद का प्रमुख प्रतिनिधि माना जाता है? लेवी स्ट्रास, हैबरमास, मिशेल फूको, रिचर्ड एमर्सन। किसको उत्तर संरचनावाद का प्रमुख प्रतिनिधि माना जाता है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है मिशेल फूको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारीवादी सिद्धांत दुनिया को किस तरह देखता है? बड़ी अवमानना के साथ, महिलाओं के दृष्टिकोण से, मन की गहरी संरचनाओं के सुविधाजनक बिंदुओं से, अधिकांशतः फ्रायडियन दृष्टिकोण से। राइट आंसर बताइए। नारीवादी सिद्धांत दुनिया को किस तरह देखता है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है महिलाओं के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांतकार आधुनिकता को अधूरी परियोजना के रूप में देखता है? हैबरमास, अलेक्जेंडर, कोलमैन, बोड्रिलार्ड। कौन सा सिद्धांतकार आधुनिकता को अधूरी परियोजना के रूप में देखता है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है जुर्गन हैबरमास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टालकॉट पार्सन्स के कार्यात्मक अनिवार्यता में से एक नहीं है? अनुकूलन, एकीकरण, लक्ष्य प्राप्त, व्यक्तित्व प्रणाली।
कौन सा टैलकॉट पार्सन्स के कार्यात्मक अनिवार्यता में से एक नहीं है? ऑप्शन फोर राइट आंसर है, व्यक्तित्व प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स के कार्य में व्यवहारिक जीव डॉट डॉट कार्य को संभालता है, एकीकृत शोषक प्रजनन अनुकूलन। राइट आंसर क्या होगा? पार्सन्स के कार्य में व्यवहारिक जीव डॉट डॉट कार्य को संभालता है। ऑप्शन फोर राइट आंसर है, अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्सन्स की कार्य प्रणाली नहीं है? सांस्कृतिक प्रणाली, अव्यक्त प्रणाली, सामाजिक प्रणाली, व्यक्तित्व प्रणाली। कौन सी पार्सन्स की कार्य प्रणाली नहीं है? तो सांस्कृतिक प्रणाली ये है, सामाजिक है, व्यक्तित्व है, अव्यक्त प्रणाली नहीं है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिथिलता का विचार किसके द्वारा सामने रखा गया था? रॉबर्ट की, मर्टन, इमाइल दुर्खीम, अगस्त कॉम्प्ट, मैक्स वेबर। शिथिलता का विचार किसके द्वारा सामने रखा गया था? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, रॉबर्ट के मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैटर्न चर का विचार किस समाजशास्त्री ने दिया था? अगस्त कॉम्प्ट, मैक्स वेबर, पार्सन्स, मर्टन। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, टैलकॉट पार्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। अगस्त कॉम्टे, मैक्स वेबर, पार्सन्स, रॉबर्ट के मर्टन। राइट आंसर बताइए। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन ये बुक है टैलकॉट पार्सन्स की। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत मूल इकाई है आवंटन, एकीकृत प्रक्रिया, कंडीशनिंग, कारकों का पदानुक्रम, स्थित भूमिका, जटिलता, पर्यावरण सीमा, रखरखाव। राइट आंसर बताइए। पार्सन्स के सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत मूल इकाई है ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, स्थित भूमिका, जटिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स के अनुसार डॉट डॉट प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि किसी कर्ता द्वारा अपने हितों की पूर्ति से समग्र प्रणाली के हितों की पूर्ति भी होती है। सामाजिक नियंत्रण, शोषण, समाजीकरण, भूमिका। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, समाजीकरण। पार्सन्स के अनुसार समाजीकरण प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि किसी कर्ता द्वारा अपने हितों की पूर्ति से समग्र प्रणाली के हितों की पूर्ति की जाती है। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स ने तर्क दिया है कि डॉट डॉट सामाजिक विश्व के विभिन्न तत्वों के बीच प्रमुख जोड़ने वाली शक्ति थी। समाज, अर्थव्यवस्था, प्रत्ययी प्रणाली, संस्कृति। राइट आंसर बताइए। सामाजिक विश्व के विभिन्न तत्वों के बीच प्रमुख जोड़ने वाली शक्ति थी पार्सन्स के अनुसार। राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, संस्कृत। पार्सन्स ने तर्क दिया है कि संस्कृत सामाजिक विश्व के विभिन्न तत्वों के बीच प्रमुख जोड़ने वाली शक्ति थी। सो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ, क्लास कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।